बीजेपी के सांसद विधायक से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं तक पिछले 4 साल में बात बात पर देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते और सेना को लेकर भावुक कर देने वाले बयान आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन मोदी राज की सच्चाई कुछ और ही है। आलम कुछ ऐसा है कि मोदी सरकार अपने सैनिकों को वर्दी और जूते खरीदने के लिए भी पैसे देने को तैयार नहीं है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोदी सरकार ने सेना को देने वाले बजट में भारी कटौती कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि सैनिकों को अब अपनी वर्दी जूते सहित तमाम जरूरत की चीजों को सीधे बाजार से खरीदनी पड़ सकती है। आपको मालूम होगा कि सेना अब तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों से करीब 94% खरीदारी करती है, लेकिन ये बजट कटौती होने की वजह से ये खरीदारी 50% तक हो जाएगी। सेना ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि मोदी सरकार ने बारूद और पुर्जों की आपातकालीन खरीद के लिए इस बार कोई फंड जारी नहीं किया है। ऐसे में ये सवाल तो जरूर उठना चाहिए कि आखिरकार देश की सुरक्षा में लगे हमारे जवानों के लिए मोदी सरकार के पास पैसे नहीं हैं, या फिर फंड की कटौती कर सरकार अपना चेहरा चमका रही है। मोदी सरकार के मई 2014 में सत्ता में आने के बाद अब तक अपनी छवि चमकाने के लिए 4,343 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि मनमोहन सिंह कार्यकाल से मोदी राज्य विज्ञापनों पर लगभग दोगुनी रकम खर्च हो चुकी है। मोदी सरकार देश की ऐसी पहली सरकार है जिन्होंने सेना के सर्जिकल स्ट्राइक का भी राजनीति कर सियासी फायदा लेने की पूरी कोशिश की। जगह जगह पीएम मोदी के पोस्टर लगाए गए, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मोदी सरकार सेना को इतना भी पैसा नहीं दे रही है कि वो अपनी वर्दी और जूते खरीद सके। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट न्यूज़ लाइव।